गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, वन सेकेंड, स्पीकर सेलेक्ट कर लें। चालू हुआ क्या, देखते हैं एक बार। इट्स वर्किंग नाउ। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करनी है हमको आज, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अलग अलग प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो सारा कनेक्शन पता होना चाहिए, किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है और इकलौता क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, उसके बाद कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का रेशियो गिवन है, आपको चारों एंगल्स अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। तो अगर चार एंगल्स का रेशियो गिवन है, चारों एंगल्स का सम भी पता है हमको, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स का सम पता है और रेशियो पता है, तो आप अलग अलग चारों एंगल निकाल सकते हो। चलो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्टार्ट इट विथ लाइक दिस। हाँ, गिवन क्या है, हेयर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग, हेयर इट इज गिवन दैट कि रेशियो ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है हमको, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, क्या रेशियो है ये, 3:5:9:13, 3:5:9:13, ठीक है। अब इनको नाम तो देना पड़ेगा, तो अपन क्वाड्रिलेटरल को तो नाम दे देते हैं ABCD। तो ये चार एंगल्स हम मान लेते हैं, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। वैल्यू निकालोगे तो कुछ नाम तो कहोगे ना भाई, एंगल, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ऐसे भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप एंगल ए बी सी डी अगर नाम दे रहे हो तो फिगर बनाने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन में फिगर से कुछ रेफरेंस लिया जाए ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आप ABCD लिख के बिना फिगर के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहो तो 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हो। इधर क्वाड्रिलेटरल के आगे उसका नाम लिख देना ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD के चार एंगल्स A:B:C:D क्या है, 3:5:9:13, ये गिवन हो गया। ऑल्सो नहीं, उससे पहले सम ऑफ रेशियो, जब भी आपको रेशियो गिवन हो तो उनका सम कर दिया करो, सम ऑफ रेशियोज, तो सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू 3+5+9+13, करना सम, 30 हुआ, 9 और 8 17 13, बिल्कुल सही 30। एंड वी नो दैट व्हाट डू वी नो, हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री। वी नो दैट sum of four angles of a quadrilateral equal to होता है कितना, 360 डिग्री, ठीक है। सो एक एक करके निकालते हैं, देखो एक में निकाल के बताता हूं, बाकी फिर आप अपने आप निकाल सकते हो। एंगल ए, तो एंगल ए की सीध का रेशियो क्या है, देखो एंगल ए के रेफरेंस में कौन सा रेशियो दिखाई दे रहा है, 3 किसका, टोटल का, टोटल कितना है 30, टोटल रेशियोज कितने मेरे पास 30, उसमें से ए को कितना मिला 3, तो रेशियो में से उसको 3 मिला 30 में से, है ना, 3/ किसने में से, 30 into एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। वही तो कर रहे हैं, देखो अभी भी तो वही हो रहा है, 360 से 30 डिवाइड हो रहा है। आप कह रहे हो कि 360 से 30 को डिवाइड कर दो, फिर जो भी आंसर आया उसको चारों से मल्टीप्लाई कर दो,
अभी क्या हो रहा है, 360 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंगल ए के केस में, एंगल बी के केस में जो इधर होगा उससे मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअली चीज वही कर रहे हैं, इधर से कान को पकड़ो या उधर से पकड़ो, समझ में आई बात। ये सिंपलेस्ट तरीका होता है, ये याद रह जाता है कि जो रेशियो गिवन है वो तो ऊपर लिखो, नीचे सम ऑफ रेशियोस लिखो और फिर टोटल एंगल सम लिखो। तो हम एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या 30 से ये कितनी टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स, 30 से ये 12 टाइम्स जाएगा, क्योंकि हर बार इधर 360 और इधर 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, हर बार इधर 360 और इधर 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सम ऑफ रेशियोस हमेशा 30 आएगा और एंगल सम हमेशा 360 आएगा, बदलेगा क्या केवल ये, तो ये तो काटना ही पड़ेगा ना हमेशा, तो एक बार काट लिया तो अगली बार फटाफट ध्यान है मुझे 12 बार कटेगा ये, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया ना 12 टाइम्स कैसे कटा ये, देखो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, चलो 3 इंटू 12 क्या होता है 36 डिग्री। चलो श्रेष्ठ मुझे बताओ एंगल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी का रेशियो क्या है चेक करो, 5, नीचे क्या आता है 30, सम ऑफ रेशियोस 360, ठीक है, तो 30 से वही 12 टाइम्स, हमेशा ये तो होगा ही होगा, 12 5 जा क्या होता है 60 डिग्री। एंगल सी बोलो जानवी बेटा, एंगल सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी का रेशियो क्या है चेक करो आपकी नोटबुक में, 9/30 × 360, वेरी गुड, 30 से ये तो अगेन 12 टाइम्स आएगा, एंड 12 9 जा कितना होता है पता है 108 डिग्री, एंड लास्ट एंगल डी, बताओ गायत्री बोलो एंगल डी 9 है, अगेन 13/30 इक्वल इनटू 360, तो 30 से 1 टाइम, 30 से 12 टाइम्स, एंड 12 इनटू 13 करना है, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15, 156 डिग्री। अच्छा जब आप ये चारों एंगल्स निकाल लो तब आप अपने आप में रफली इन चारों का सम करके देख लेना 360 आना चाहिए, अगर आता है तो आपने चारों एंगल सही निकाले हैं वरना गलत है, क्योंकि चारों एंगल्स का सम तो 360 होगा ही होगा, तो रफली ऐड करके देख लो 360 आ रहा है चारों का सम, आ रहा है इतनी देर ऐड करने में 360 आ रहा है ना, ठीक है, दैट मीन्स हमने कोई गलत नहीं निकाला है, ठीक है जी। लास्ट में हम क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये एबीसीडी तो मैंने माने हैं, उसने थोड़ा कहा था कि एबीसीडी नाम रखो, तो हम लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफोर द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर, बोलो पहला क्या निकला था 36 डिग्री, दूसरा कॉमा 60, तीसरा 108 डिग्री, एंड द फोर्थ वन इज 156 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन को हमारे को खत्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है पहला, ठीक है जी, चलें आगे, हो गया गायत्री, क्या रह गया बताओ, चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स, सुनना ध्यान से शिखी, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, ये क्या बता रहा है, हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर होते ही वो रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस था, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं थे, रेक्टेंगल के डायगोनल्स, तो एक बार पैरेललोग्राम लिया मैंने और मैंने कुछ नहीं किया उसके डायगोनल्स बराबर कर दिए, तो अब वो रेक्टेंगल बन गया, बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने क्या कहा था रिजल्ट तो सारे वही दिखाई देंगे जो हमने पढ़े, लेकिन अब इसको प्रूव करना है यूजिंग कॉन्ग्रुएंसीज,
यूजिंग कॉन्ग्रुएंसीज इस चीज को प्रूव करना है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आप फिगर क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, वो प्रूव क्या होना है अंतिम में, वो प्रूव क्या होना है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव होना है। तो बनाना तो रेक्टेंगल है पर मानना उसको पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में उसको रेक्टेंगल नहीं मानना है, मानना क्या है पैरेललोग्राम, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, मतलब उसमें प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम की लगानी है, रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी क्योंकि वो तो हमको प्रूव करना है, लेकिन हम फिगर वही बनाएंगे जो वो प्रूव करवाना चाह रहा है। पर उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स यूज करेंगे वो पैरेललोग्राम के ही यूज करेंगे, क्योंकि गिवन में तो वो पैरेललोग्राम ही है, गिवन पॉइंट में तो वो पैरेललोग्राम ही है ना। ठीक है, क्लियर है, चलें बना दो एक रेक्टेंगल। ये तैयार है हमारा रेक्टेंगल, फिगर सारे पेंसिल से बनेंगे और सब चीज मेंटेन करनी है, स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, जल्दी से भी बनाना है अच्छा भी बनाना है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सजा सजा के भी नहीं बनाना है और बिल्कुल रफली भी नहीं बनाना है, फटाफट लाइन खींचे और ये लो सर रेक्टेंगल तैयार, स्पीड विथ एक्यूरेसी को फॉलो करना है। ठीक है, अगर कई बच्चों का क्या है ना, जैसे ये लाइन्स वाइन्स खींचने में स्केल की उनको जरूरत नहीं पड़ती, कईयों का हाथ अच्छा चलता है, तो अगर उनका हाथ अच्छा चलता है तो वो बिना स्केल के भी खींच दें तो चलेगा, पर अगर किसी का नहीं चलता है तो फिर स्केल यूज करना है ना, ऐसा नहीं किसी का रेक्टेंगल ऐसा बन रहा हो। हाँ ठीक है, नहीं किसी का हाथ नहीं सीधा चलता, अगर चलता है तो अच्छी बात है, हम नहीं चलता है तो नहीं चलता है, उसमें तो अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो तो बचपन में सुलेख वाली बुक भरनी थी भरी नहीं, अब नहीं चलता है तो नहीं चलता है, अभी तो ना सुलेख भरने बैठोगे, अब तो टाइम ही गया, हर एक चीज का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो चीज करी जाती है। ए बी सी डी, अभी रेक्टेंगल, अभी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने का टाइम है, अभी वो करो, ये नहीं किया तो फिर बाद में चल के 12th क्लास में याद आएगी यार वो करते हैं, पर वो उसका टाइम चला जाएगा, तो जिस टाइम जिस चीज करने का टाइम है वही काम करना है अपने को। हाँ तो डायगनल्स तो खींचना ही है क्योंकि बात ही डायगनल्स की हो रही है, और डायगनल्स नहीं खींचेंगे तो कुछ आगे समझ ही नहीं आएगा क्या करें। कॉन्ग्रुएंसी किसमें लगाएंगे, ट्राइंगल्स में ही तो लगाएंगे, ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे जब डायगनल्स बनाएंगे, और ऑब्वियसली उसने भी तो कहा है डायगनल्स बनाओ, पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मैंने क्या कहा फीचर्स पैरेललोग्राम के यूज करने हैं, फीचर्स किसके यूज करने हैं, पैरेललोग्राम के यूज करने हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ना। नाइनटी डिग्री नहीं यूज करना है, हाँ पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स यूज करने हैं जो भी रहते हैं ना। ठीक है चलो, ए बी सी डी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, चलो गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इन विच क्या, हाँ शॉर्ट फॉर्म भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन विच डायगनल्स, इन विच डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, डायगनल्स एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया गिवन पॉइंट, इस एक लाइन में सारी इस चीजें लिख दी ना हमने कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है और क्या है इसमें, डायगनल्स खींचे हुए, डायगनल्स कहां पे मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, ओ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बनाया है हमने, पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाया है, ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल है। अच्छा सॉरी 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 माय मिस्टेक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखना भूल गए कि इसके डायगनल्स इक्वल हैं, उसने क्या कहा था पैरेललोग्राम बना के अगर डायगनल्स इक्वल करोगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा, तो पैरेललोग्राम बना दिया, डायगनल्स बना दिया, अब ये डायगनल्स इक्वल हैं, ये भी गिवन पॉइंट ही है। क्या क्या कह रहे हो गायत्री, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इफ यदि द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगनल्स बराबर कर दिए जाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा ये प्रूव करना है। गिवन क्या दे रहा है कि आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया और उसके डायगनल्स इक्वल करके दे दिए,
वो तो पैरलोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, मेन चीज क्या है पैरलोग्राम के डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो तो करनी ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज और क्या कर दी आपको, आपको ये दे दी कि डायगोनल्स उसके मेरे, मुझे एक चीज बताओ ध्यान से सुनना, पैरलोग्राम के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा मैंने उसके बारे में मैंने कुछ कहा है क्या? तो फिर वो इक्वल हो भी तो सकते हैं, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं है दैट मीन्स वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसके हैं पर जिसके होते हैं वो रेक्टेंगल बन जाता है, समझ रहे हो? मैंने कहा है बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन मैंने ये थोड़ा ना कहा कि इसके इक्वल नहीं होते हैं, मैंने ऐसे भी नहीं कहा कि इक्वल होते हैं और मैंने ऐसे भी नहीं कहा कि इक्वल नहीं होते हैं, यानी दोनों हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं ना, इसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं। अब ये इक्वल करने के बाद जो फिगर मिला वो रेक्टेंगल में ना बनेगा या बनता है, ऐसा मुझे प्रूव करना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, जैसे आप सब्जी लेने गए, मैंने कहा बेटा टमाटर जरूर ही लाना, तो इसका मतलब थोड़ा ना आप टमाटर ही लाओगे, मैंने जो टमाटर के लिए कहा था टमाटर जरूर ही लाना, और चीजों के बारे में मैंने टिप्पणी नहीं करी, वो आप आपके विवेक के हिसाब से ला सकते हो, प्याज भी ला सकते हो, धनिया भी ला सकते हो, मैंने उनके लिए ना तो हाँ करी ना मना करी, जो काम मैंने कहा वो बस होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो। तो पैरलोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होना है या नहीं होना है इस पे विशेष टिप्पणी नहीं करी है, तो हो भी सकते हैं वो भी पैरलोग्राम होगा, नहीं भी हो सकते हैं वो भी पैरलोग्राम होगा, तो ये भी पैरलोग्राम है जो हमने बनाया, बस इसके हमने डायगोनल्स क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब करने के बाद जो फिगर मिला वो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, वो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला गिवन पॉइंट देखो, यहां से लेके यहां तक तो गिवन पॉइंट है, पैरलोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये तो हो गया गिवन पॉइंट, यहां से लेके यहां तक वो चीजें जो आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो गिवन पॉइंट में आपको ये भी डालना पड़ेगा कि डायगोनल्स एसी, डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी, यही तो मेन चीज है, डायगोनल इक्वल नहीं करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं ना फिर। टू प्रूव, अब लिखो क्या प्रूव करना है आपको, कि पैरलोग्राम एबीसीडी रेक्टेंगल बन चुका है, ऐसा प्रूव करना, पैरलोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, और यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक लिख लिया सबने, हो गया सौम्या? अब मेरा टारगेट क्या है, इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल का मेन फीचर क्या होता है, हर एक फिगर का एक मेन मेन फीचर याद रखो, पैरलोग्राम का मेन फीचर आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल, ये इसका मेन फीचर है, रेक्टेंगल का मेन फीचर सारे एंगल्स इक्वल, ये इसका मेन फीचर है, सारे एंगल्स इक्वल यानी सारे एंगल्स 90 के, रोम्बस का मेन फीचर सारी साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, स्क्वायर का मेन फीचर सारी साइड्स भी इक्वल और सारे एंगल्स भी इक्वल, ये इनके मेन फीचर है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इनके मेन फीचर को प्रूव कर दो कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है, इनके मेन फीचर को प्रूव कर दो कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है। अब सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करना है, दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, करना है, और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है ना, और फिर ये एंगल करना है, फिर ये एंगल करना है। अब सारे तो नहीं करने बैठेंगे, कम से कम ये दो एंगल तो करो एक बार के लिए, ये दोनों एंगल 90-90 कैसे प्रूव करोगे सोचो, सही बोल रहे हो आप। सुनो, ये पैरलोग्राम तो है ना, तो पैरलोग्राम है तो पैरलोग्राम के आमने सामने की साइड्स पैरेलल तो होंगी, तो ए बी पैरेलल सी डी होगा, तो ए बी पैरेलल सी डी है तो ए डी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाले और ये वाले एंगल्स किस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या होता है उनका सम 180 डिग्री, यानी इसका और इसका एंगल सम क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है, इसका और इसका एंगल सम 180 डिग्री हो गया। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, एक ये और दूजा ये, तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो आमने सामने की साइड्स बराबर है, पैरलोग्राम है भाई, ये साइड कॉमन है और डायगोनल्स इक्वल है, अभी अभी गिवन पॉइंट में मिल गया, तो तीनों ही साइड्स बराबर हो गई,
तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, भाई इस ट्राइंगल का ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। अभी अभी हमने कहा कि क्या कहा था, दोनों का सम 180 है, और अभी अभी क्या कह रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो कितना कितना मिलेगा दोनों को, 90 90। भाई कॉन्ग्रुएंसी से तो इक्वल प्रूव करेंगे, और जो हमारे लाइंस एंड एंगल्स वाले टॉपिक्स हैं उससे हम इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये 90 90। सिमिलरली अब जैसे ये दोनों 90 प्रूव हो गए ना, सिमिलरली हम ये दोनों भी 90 प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ये दोनों भी 90 प्रूव कर सकते हैं। अब सारे नहीं करने बैठेंगे, एक बार करेंगे और बाकी फिर लिख देंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन दैट, बाकी दो भी 90 90 होंगे। देखो अब आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको ये दोनों 90 प्रूव करने हैं, भाई एक करना है, कोई भी एक पेयर करना है, या ये दोनों 90 करने हैं, या ये दोनों 90 करने हैं, या ये दोनों 90 करने हैं। मेरे हिसाब से सबसे सही रहेगा कि ये दोनों 90 प्रूव करो। ये दोनों 90 प्रूव करने के लिए आपको जो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे ना वो इजी लगेंगे आपको, एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, जिसमें ये साइड तो कोई कॉमन, ये आमने सामने की बराबर, और ये दोनों डायगोनल्स तो वैसे इक्वल हैं, गिवन है, ठीक है जी। शुरू करें, चलो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको। हेयर इन ट्राइंगल, हाँ ठीक है, लिखो हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, पहले इस साइड वाले ट्राइंगल का नाम बोलो, ए डी सी, ए डी सी लिख सकता हूं उसको मैं, हेयर इन ट्राइंगल ए डी सी, एंड द अदर वन बी सी डी। बेटा देखो ए से 90 डिग्री पे आ रहे हो ना, तो फिर उधर भी बी से 90 डिग्री पे जाओगे पहले, बी सी डी, तो ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, एंड ट्राइंगल बी सी डी, सबसे पहले तो ए सी बराबर बी डी गिवन है, ए सी बराबर बी डी गिवन है, चेक करो ये ए सी बराबर बी डी गिवन है ना। चलो उसके बाद कॉमन साइड ले लो, कॉमन साइड कौन कौन सी है दोनों में, डी सी, इधर से इसका नाम डी सी होगा, उधर से उसका नाम सी डी होगा, तो डी सी कहूँ या सी डी कहूँ बात एक ही है, कॉमन साइड हो गई है, तो डी सी एंड डी सी इक्वल्स टू सी डी, क्या रीजन लिखूंगा मैं, कॉमन साइड, एंड द लास्ट वन, तीसरी साइड कौन सी बची बेटा, इधर बची ए डी और उधर बची बी सी, और ए डी और बी सी क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसका रीजन हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बीसीडी। और सारी साइड्स फ्लो में ही है, देखो इधर से लिया मैंने एसी, उधर से लिया मैंने बीडी, फिर मैंने यहां पे लिया डीसी तो वहां लिया सीडी, यहां लिया एडी तो वहां लिया बीसी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहां से हम क्या प्रूव कर देंगे, implies angle ADC equal to angle BCD, angle ADC equals to angle BCD by CPCT, by CPCT, CPCT है वो, समझ आ रहा है ना, CPCT, ठीक है, एंगल एडीसी एंगल बीसीडी के बराबर हो गया, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है, अब बराबर तो हो गए, अब इन दोनों का सम 180 कर देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइंस पैरेलल देखनी पड़ेगी, तो इन दोनों का सम 180 करना है, बोलो बेटा कौन सी लाइंस पैरेलल लोगे, इन दोनों का सम 180 करना है, इसको और इसका सम 180 करना है, तो ये दोनों लाइंस लेनी पड़ेंगी पैरेलल में, और इसको क्या लेना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, एडी पैरेलल बीसी है, रीजन बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है तो फिर लाइन्स पैरेलल होंगी, और ये हो गया ट्रांसवर्सल।
नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नाउ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, गिवन है ये तो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दिस इज गिवन, सो ए डी पैरेलल बी सी, रीजन डाल दो, अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल होंगी, एंड साथ में ट्रांसवर्सल कौन सी लोगे, नीचे वाली लाइन कौन सी, नीचे वाली लाइन बीसी, चेक करो फिगर में, नीचे वाली डीसी है, ठीक है, डीसी इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल, तो उन्हीं दोनों का सम अब 180 हो जाएगा, जिन दोनों एंगल को आपने बराबर किया है इन्हीं दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये डाल दो इक्वेशन नंबर वन, और इसका नीचे रीजन डाल दो, बिकॉज क्या रीजन डालोगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अरे इसको इक्वेशन टू डालो, वन तो ऊपर वाली को डालना है ना जिसमें दोनों को बराबर किया है, हाँ जो सीपीसीटी से आई है उसको लिखो टू, इसको लिखो वन तो, और इसको टू लिखो, मिल गई ना दोनों इक्वेशन, काम हो गया, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन जो सीपीसीटी से आई है ये वाली, तो इसमें आप एक काम करना, सामने तो लिखना इक्वेशन वन, नीचे लिखना भाई, क्योंकि हम इक्वेशन का नंबरिंग कोशिश करेंगे सामने दें, रीजन चाहे से नीचे लिखते हैं, इक्वेशन वन अगर स्पेस है तो वो भी सामने लिख सकते हो, और स्पेस नहीं है तो हम रीजन क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्या देंगे, हम इक्वेशन को सामने लिखें, रीजन को नीचे लिखें, ठीक है, बाय सीपीसीटी, फिर जैसी जगह का संतुलन बैठा, ठीक है जी। अब इक्वेशन वन क्या कहती है कि साहब एडीसी बीसीडी बराबर है, और इक्वेशन टू क्या कहती है कि साहब एडीसी बीसीडी का सम 180 है, ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन को साथ में रीड करें तो दोनों बराबर भी हैं, दोनों का जोड़ 180 है, तो दोनों 90-90 की हो जाएंगी, ठीक है, मैंने कहा आप दोनों के पास कुल मिला के 180 रुपए हैं, मैंने कहा आप दोनों के पास बराबर बराबर रुपए हैं, तो कितने कितने होंगे दोनों के पास, 90-90, वही बात वो कह रहा है, ये एक आदमी है, ये आदमी खड़ा होकर कहता है कि साहब मेरे पास पुख्ता सबूत है कि दोनों बराबर है, ये पुलिस है, एक पुलिस ऑफिसर है, ये कहता है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि दोनों बराबर है, दूसरा उसी का जो कलीग है वो कहता है मेरे पास, इक्वेशन टू दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि दोनों का सम 180 है, तो पुलिस कमिश्नर अगर दोनों की बात मानेगा तो दोनों को 90-90 डिग्री एंगल का मानेगा, समझ गए, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर दोनों इक्वेशन को साथ में ले लें, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी गेट एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीसीडी इक्वल टू, उस 180 का हाफ कर दो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब नीचे के तो दो एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए ना, चलो इतना करो एक बार कर लिया, अब सुनो एंगल एडीसी एंगल बीसीडी, नीचे के दो 90 प्रूव हो गए, ये नीचे के दो एंगल साहब 90 डिग्री प्रूव हो गए, अब ऊपर के कैसे करें, दो एंगल नहीं सारे करने ना, कैसे सिमिलरली कर लिख के वो हमको स्टेप लिखनी पड़ेगी कि सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंसीडर करें कॉन्ग्रुएंसी में तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो वो दोनों भी 90-90 हो जाएंगे, मेरे हिसाब से वो उस उल्टा थोड़ा सा मतलब लेंथी तरीका है, इससे भी आसान तरीका बताऊं बेटा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने के एंगल तो वैसे इक्वल हैं, तो इजिएस्ट वे फाइंड आउट करें ना, ऑपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं, उसके लिए रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, ये पैरेललोग्राम तो है ना, तो ये 90 है तो इसके सामने वाला ये भी 90, और ये 90 है तो इसके सामने वाला, ये आसान तरीका है उल्टा उन दोनों को 90 प्रूव करने का, और चाहो तो आप वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, सिमिलरली कैन बी प्रूवन दैट, वो भी कर सकते, तो अभी अपन आमने सामने के एंगल 90 डिग्री है उससे प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। नाउ अभी तो केवल दो एंगल्स 90 डिग्री प्रूव हैं, अब ऊपर के दो एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं, कैसे, ये दो 90 है
इसके सामने वाला बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, इसके सामने वाला भी बराबर होगा। एक बार चारों 90 प्रूव हो जाए तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों एंगल 90 है वो रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम तो ये शुरू से ही था, चारों एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिए, तो अब ये कुल मिलाकर रेक्टेंगल बन गया। समझ गए? तो बोलो एंगल एडीसी के सामने वाला एंगल कौन सा है, फिगर में देख के बताओ। एडीसी के सामने पूरा तीन लेटर में बोलो, एबीसी। एबीसी बराबर हो जाएगा एंगल एडीसी के, एबीसी बराबर हो जाएगा एंगल एडीसी के, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। और उसके सामने वाला बोलो एंगल बीएडी, वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बीसीडी के, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों का कॉमन रीजन लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तभी तो काम है ना, सारे बातें याद रखनी चाहिए। अब मान लो आपके माइंड में ये बात आई नहीं कहीं कि आमने सामने के एंगल भी बराबर करते हैं, तो आप उससे भी कर देते, लेकिन आप आपका ही टाइम वेस्ट करते, ये थोड़ा तो दिमाग लगाते, अब क्या करें, कैसे लाइन के स्टेप बनाते, ये ज्यादा इजी हो गया ना, सीधे आमने सामने के एंगल इक्वल कर दिए। समझ में आया सौम्या? तो अब पैरेललोग्राम एबीसीडी में ये तो है एंगल बी, ये है एंगल डी, ये है एंगल ए और ये एंगल सी, तो ए बी सी डी चारों एंगल 90 प्रूव हो गए, दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, सो वी हैव, अब फाइनली हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सो वी हैव इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी के अंदर हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों एंगल क्या प्रूव हो चुके हैं 90 डिग्री, हेंस वी कैन से दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? अभी तो ये सबसे छोटा है एक्सरसाइज का, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। मैंने आपको शुरू से ही कहा था, जो चीज आप अभी पढ़ रहे हो वो अगले से अगले चैप्टर में यूजफुल रहेगा, वो जो पढ़ा वो उसके अगले चैप्टर में यूजफुल। जैसे लाइंस एंड एंगल्स पढ़े, लाइंस एंड एंगल्स की मदद से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, अब कॉन्ग्रुएंसी की मदद से क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, अब ये क्वाड्रिलेटरल्स की मदद से फिर आगे एरिया वाला चैप्टर है 8th वाला, पर वो अभी नहीं करेंगे हम, उससे पहले अपन हीरोन्स फॉर्मूला, हाँ ठीक है चलें। पर ये है कि क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आता है, लॉजिकली करो सब कुछ चीजें याद रखो, ठीक है ना, तो बड़ा मजा आता है, और अगर नहीं याद रखोगे तो फिर सब ऊपर से जाता है, क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। अंश कब करेगा, अब कब स्पीड बढ़ाएगा, कौन से तारीख का मुहूर्त, हाँ जब पेन खत्म हो गया, अब रिफ्यूलिंग कर ली फिर, ठीक है। हाँ जी देखो, अब एक बार सुन मेरी बात, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे जितना स्पेस है, और क्वेश्चन की तरफ देखो ध्यान से, केयरफुली क्वेश्चन रीड करेंगे। साक्षी ऑन द स्क्रीन, शो दैट If the diagonals of a quadrilateral, देखो इसने given point में केवल quadrilateral दिया है, ना कोई parallelogram, ना कोई rhombus, यानी simply एक quadrilateral है जिसकी चार साइडें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता हमको। उसने क्या कहा, इस quadrilateral के diagonal जो हैं, एक दूसरे को bisect कर रहे हैं, कहाँ पे, तो bisect कर रहे हैं, that means parallelogram है, और right angle पे bisect कर रहे हैं, that means क्या है, rectangle के, कब से 90 degree पे bisect करने लग गए, rhombus है, क्या है, रोम्बस है, देन इट इज ए रोम्बस, प्रूफ भी तो वही करवा रहा है और याद भी यही हमको। अगर वो कह देता, सुनो, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर भी हैं, अब क्या बनता, वो क्या बनता, रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे टच करते हैं, वो तो है ही सही। एक बात और जोड़ रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना कहा कि उसको हटा दो, आर इक्वल टू ईच अदर, तो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट एंगल पे भी करते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं,
तो फिर ये रोम्बस क्या होता, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, हमको केवल रोम्बस तक ही प्रूव करना है उसको, ठीक है जी। तो बनाना तो रोम्बस है, लेकिन उसको मानना क्या है, साधारण क्वाड्रिलेटरल, पैरेलोग्राम तक भी नहीं मानना है, क्या मानना है, केवल ये क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के साथ बाकी जो चीजें कही है वो तो माननी है, जैसे उसने कहा कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो मानना है हमको कि बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है और राइट एंगल पे मिल रहा है, तो वो 90-90 डिग्री भी मानना है, यानी यहां तक का पार्ट गिवन में मानना है, जो भी गिवन। उसने सीधे शब्दों में नहीं कहा, उसने ये कहा कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिस शब्दों में उसने कहा उसी शब्दों में अपने को लिखना है कि साहब क्वाड्रिलेटरल से डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देता ही नहीं ना बेटा, ऐसे थोड़ा ना करेगा, जब स्क्वायर बनेगा नहीं तो क्यों प्रूव करवाएगा, प्रूव वही चीज करवाएगा जो होती है। अगर अगर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल है तो स्क्वायर होता ही नहीं है ना वो, तो क्यों कहेगा कि स्क्वायर प्रूव करो, ठीक है। प्रूव वही चीज कराएगा जो असल में होती है, ठीक है। तो यहां तक के सारे पॉइंट्स गिवन और ये चीज टू प्रूव में शुरू करें। फिगर कैसा बनाना है, रोम्बस, लेकिन उसको मानना नहीं है कहीं पर भी कि वो रोम्बस, उसको एक साधारण क्वाड्रिलेटरल ही मानना है। दिख रहा है रोम्बस की तरह थोड़ा सा, चलो इसके बनाते हैं डायगोनल्स। क्या बन गया ये, एबीसीडी रोम्बस बन गया, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन आप ओ पे मान लो। अब आपको क्या क्या गिवन है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है, दैट मींस AO बराबर CO गिवन है, और दूसरा डायगनल भी बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, तो BO बराबर DO है। पहली गिवन चीज ये हो गई। दूसरी गिवन चीज क्या है कि बाइसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं, दैट मींस ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये सारी बातें गिवन है। फिगर में भी शो कर दिया करो जो जो चीजें गिवन। अब ये 90-90 वाली चीज में हटा देता हूं, नहीं तो फिर क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इतना डिनोट कर देता हूं, बाकी अपन गिवन पॉइंट्स में लिख तो रही है। बोलो गिवन पॉइंट्स, बताओ क्या गिवन पॉइंट्स बनाओगे, बोलो। एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, उसने क्वाड्रिलेटरल कहा है तो साहब क्वाड्रिलेटरल, उसकी बात सबसे पहले, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, वो हमारा बॉस है, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, अब उसने आगे आगे जो जो चीजें कही हैं वो हम लिख देते हैं। इन विच, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जैसा पहले पिछले क्वेश्चन में किया था, वो काम तो करना ही है। इन विच द डायगोनल्स इंटर, अच्छा बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, एक मिनट सुनो सुनो एक मिनट, वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इससे हमको क्या पता चला कि AO बराबर CO है और BO बराबर DO है, तो गिवन पॉइंट में सीधे ही लिखो ना कि AO बराबर CO, BO बराबर DO, वो लाइन क्यों लिख रहे हो, उसकी लाइन लिखने की कम कोशिश करो, और अपने गिवन पॉइंट, उसकी गिवन पॉइंट से हमने क्या समझा उसको लिखने की कोशिश करो। अगर आप सेम टू सेम उसकी लाइन छापोगे तो उसमें भी मार्क्स कट सकते हैं, वो कहेगा किसने तो छाप दिया, खुद का क्या दिमाग लगा। गिवन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन को छाप दो, गिवन पॉइंट्स का मतलब क्वेश्चन से आपने क्या क्या ग्रैब किया, क्या क्या चीजें उनको एक जगह लिखो, समझ में आई बात। तो इधर बाइसेक्ट ना लिख के इधर तो वही लिखो जो पहले लिखा था, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इन विच द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, भाई एक दूसरे से ओ पे मिलते हैं साहब, ये हो गया पहला गिवन पॉइंट। अब दूसरा गिवन पॉइंट बाइसेक्शन का ले लेते हैं, तो बाइसेक्शन अगर है तो AO बराबर CO एंड BO बराबर DO, राइट, ये हो गया बाइसेक्शन। अच्छा जी, अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस या तो ये लिख दो कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो या तो ये लिख दो कि AC परपेंडिकुलर BD, और या फिर चारों एंगल इक्वल 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 करके 90 डिग्री लिख लो, मेरे हिसाब से 90 डिग्री लिख लो वो ज्यादा सही है। कौन कौन से एंगल 90 डिग्री हो गए, AOC, AOB बराबर, नेक्स्ट बोलो, AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी, ये चारों एंगल 90 डिग्री।
तो पॉइंट नंबर वन में तो अपन ने स्टोरी समझाइए कि साहब एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पे छूते हैं। फिर उसने क्या मॉडिफिकेशंस करवाए वो पॉइंट नंबर टू में, उसने सबसे पहले क्या कहा कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कर दिए हमने, एओ को सीओ के बराबर, बीओ को डीओ के बराबर, ठीक है। और दूसरा उसने मॉडिफिकेशन क्या किया कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो एओ बी ओ सी सीओ डी एओडी चारों 90 हो गया। गिवन पॉइंट्स कंप्लीट। टू प्रूव क्या लिखेंगे, टू प्रूव तो कोई भी लिख देगा, बताओ बताओ क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज, इस समय क्या है वो, इस समय एक क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसको क्या बनाना है, रोम्बस, ये हमारा टास्क है प्रूफ। ठीक है, हो गया, चलें फिगर पे। ठीक है जी, अब क्या प्रूव करना है अपने को, क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है गायत्री, मेन प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई पूछे रोम्बस क्या है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसकी मेन प्रॉपर्टी है। स्क्वायर में तो चारों एंगल्स भी चाहिए ना, फिर से सुनो, पैरेलोग्राम की मेन प्रॉपर्टी आमने सामने की साइड्स बराबर और पैरेलल। क्या कहा मैंने, पैरेलोग्राम की मेन प्रॉपर्टी आमने सामने की साइड्स बराबर और पैरेलल, ये पैरेलोग्राम की मेन प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी चारों एंगल्स बराबर, चारों एंगल्स बराबर। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी चारों साइड्स बराबर, उसके चारों एंगल्स बराबर, इसके चारों साइड्स। स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी दोनों चीजें, चारों एंगल्स भी बराबर और चारों साइड्स स्क्वायर। अब फिलोसॉफी ये माइंड से निकालो कि चारों साइड्स बराबर स्क्वायर होता है, नहीं वो रोम्बस होता है, अपने मन को समझाओ। क्या हमने बचपन से याद रखा हुआ है कि चारों साइड बराबर स्क्वायर होता है, नहीं होता है, स्क्वायर चारों साइड और चारों एंगल बराबर स्क्वायर होता है। चारों साइड बराबर क्या होता है, रोम्बस होता है, क्या होता है, और चारों एंगल बराबर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, और चारों एंगल और चारों साइड्स बराबर क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या है, सर्वगुण संपन्न है, अंतिम में मिलता है हमको, चारों तरफ से सारे सबके गुण लेगा वो, इसके भी लेगा, सारे लड्डू खाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमको इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइड्स बराबर प्रूव करनी पड़ेगी, एडी बराबर डीसी बराबर बीसी बराबर एबी, ये चारों साइड को बराबर प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट है। कैसे करें, कैसे, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, यानी कि कोई भी चार ट्रायंगल बन रहे हैं और चारों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल बन रहे हैं और चारों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई से भी दो ट्रायंगल उठाओ, सपोज करो ये वाला ट्रायंगल उठा लो और इसके बगल वाला ये वाला उठा लो, तो जरूरी थोड़ा ना आरएचएस उठाओ, और भी देख लेंगे, और भी कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास। देखो एक एक एंगल बराबर, ये साइड इसके बराबर बाइसेक्ट कर रही है भाई, और ये साइड कॉमन, तो एस ए एस से ही हो गया ना, दो साइड और बीच का एंगल। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से डीसी बराबर बीसी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये दोनों ट्रायंगल ले लें तो एबी बराबर बीसी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ले लें तो एबी बराबर एडी हो जाएगा। लेंगे केवल एक बार, बाकियों के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन। अब शुरू में दो कौन से लेने वो आप सोच लो, तो मैं ये कह रहा हूं कि एबी और बीसी बराबर करो, तो कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक तो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल बीओसी। नाम कैसे लिखेंगे वो भी सोचो, ट्रायंगल ए ओ बी, और उधर अगर मैं लिखूं ट्रायंगल बीओसी तो काम हो जाएगा कि चेक करते हैं, सीओबी लिखना पड़ेगा, चलो सीओबी लिख के देखते हैं। देखो एओबी बराबर सीओबी, तो अरे कॉमन साइड कौन सी है दोनों में से, ओबी, तो ओबी ओबी कॉमन साइड, ठीक है जी। एंगल एओबी बराबर एंगल सीओबी बराबर 90 डिग्री, और एओ बराबर सीओ गिवन है, हो गया काम, ठीक है। अच्छा इससे प्रूव क्या होगा, इससे प्रूव होगा कि एबी बराबर सीबी, एबी बराबर सीबी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं फटाफट, तो हेयर इन ट्राइंगल एओबी, हेयर इन
इन ट्रायंगल एओबी, दूसरा कौन सा बताया बेटा, एंड ट्रायंगल सीओबी। फर्स्ट ऑफ ऑल एओ बराबर सीओ लिख दो गिवन, देखो ऊपर दिख रही है मुझे गिवन, दिख रही है एओ बराबर सीओ गिवन। एंड आगे बोलो एंगल ले लो, एंगल ले लो, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओबी है दोनों, कहां से पता चला, ये भी गिवन है, देखो दिखाऊं आपको, देखो एंगल एओबी बराबर एंगल बीओसी है तो बीओसी को सीओबी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो ये भी गिवन। अब वो 90 डिग्री के बराबर है वो मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कौन सा हम आरएचएस लगा रहे हैं, आरएचएस लगाते हैं तो उसको मेंशन करना जरूरी होता है कि वो 90 डिग्री है, ऐसे इसमें तो बस ये मेंशन करना होता है कि दोनों बराबर है, दैट्स इट, ठीक है। एक साइड हो गई, एक एंगल हो गई, तीसरी साइड तो ओबी इक्वल्स टू ओबी कॉमन साइड एंड OB इक्वल्स टू OB कॉमन साइड। सिमिलरली इसे नहीं करेंगे, तीन बार कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे भाई। सो बाय यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा, RHS, कौन कह रहा है RHS, कहां दिख रहा है 90 डिग्री, देखो आप फिगर में चेक करो, AO और OB के बीच का एंगल ये है, अपने अपने फिगर में सब चेक करो, AO और OB के बीच का एंगल, एंगल AOB बनेगा, अच्छा जी, CO और OB के बीच का एंगल, एंगल COB बनेगा, तो दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और बीच का एंगल ले रहे हैं, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं हम, साइड एंगल साइड, बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AOB, सॉरी ट्राइंगल AOB congruent हो गया किसके, COB। तो इसके CPCT से क्या निकालेंगे हम, AB बराबर, AB बराबर CB, इसके CPCT से निकाला हमने AB बराबर CB, इसको इसको सामने तो मार्क कर दो इक्वेशन वन और रीजन नीचे लिख दो बाय CPCT, ठीक है, दो बार और रिपीट करना है ये स्टेप, अगेन इन ट्रायंगल नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि वो कब करेंगे, वो कब करेंगे जब ये क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, तो हम तो जो बुरे से बुरा हो सकता है वो सोचे ना, मान लो ये क्वेश्चन तीन चार नंबर का आ गया तो अपने को तीनों बार करना है, चार बार नहीं करना है, तीन बार करना है, चौथी बार क्यों नहीं करना है मैं बता दूंगा अभी, पर तीन बार तो करना है, तो एक बार हो गया, चलो भाई दूसरी बार, अभी हमने कौन सा ट्रायंगल उठाया, दिस वन एंड दिस वन, ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3, 4 अगर मार्क करूं तो 1 and 2 उठाया था, अब 2 and 3 उठाएंगे, तो बोलो ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC, क्या कहूंगा, BOC, DOC, OC, OC कॉमन है तो लास्ट में रखो OC को, तो और BOC, DOC लिखो, अगेन इन ट्राइंगल BOC एंड DOC, अगेन इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC, हाँ नहीं अभी तो केवल दो ही साइड बराबर हुई है ना, अभी तो केवल दो साइड ही बराबर हुई है भाई, चारों साइड बराबर करनी है ना, अब सुनो मेरी बात, एक चीज और सुनो, अगर ये शुरुआत में हमको कहता कि ये पैरेललोग्राम है तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका था, कैसे, क्योंकि अगर ये कह देता कि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो AB तो वैसे ही DC के बराबर है और आपने AB को BC के बराबर भी कर दिया और BC तो वैसे ही AD के बराबर है, तो कुल मिलाकर चारों बराबर हो गई भाई, आमने सामने की तो पहले भी बराबर थी और एडजेसेंट आपने बराबर कर दी, तो आमने सामने की भी बराबर हो गई और एडजेसेंट भी बराबर हो गई, दैट मींस चारों बराबर हो गई, लेकिन वो कब, जब आपको गिवन होता कि ये पैरेललोग्राम है, बट उसने दिया ही नहीं, उसने क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल है बेटा, अब करो सारी को प्रूफ, ठीक है ना, हाँ इन दोनों ट्राइंगल में बोलो BO equals to DO given है, तो है ना, BO equals to DO given है, चेक कर लेना given points में होगा, और एंगल बोलो, एंगल BOC equal to एंगल DOC, ये भी given है, और तीसरी साइड कॉमन कौन सी है, एंड एंड लगा देना यहाँ पे, OC equals to OC, ये क्या हो गई, कॉमन साइड, So by using SAS again,
तीनों बार ऐसे ऐसी लगेगी, एस ए एस congruence रूल, क्या अगला क्वेश्चन करना है मतलब आपको? अच्छा अगला क्वेश्चन भी नहीं करना उसको, फिर भी होमवर्क में दे दूं? बाई यूजिंग, एक मिनट रुको, ये congruent प्रूव हो गए तो implies यहां से BC equals to DC हो जाएगा, BC equals to तीसरी साइड कौन सी आई, BC, ये क्या कर रहा हूं मैं, हाँ क्या आई, BC equals to DC, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, और ये हो जाएगा बाय CPCT, इतना हो गया नोट डाउन। अब तीसरी बार अपने आप करना है होमवर्क में, उसमें करेंगे क्या, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गया बताओ, सीओडी और एओडी, भाई ओडी ओडी को लास्ट में रखना, सीओडी और एओडी, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि सीडी बराबर एडी। अब सुनना ध्यान से, पहली इक्वेशन कहती है ये साइड इसके बराबर है, दूसरी इक्वेशन कहती है ये साइड इसके बराबर है, तीसरी इक्वेशन कहती है ये साइड इसके बराबर है, तो तीनों इक्वेशन से चारों साइड बराबर हो गई, चौथी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है कि इसको भी सर इसके बराबर करो, उसकी जरूरत ही नहीं है, तीन से भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, कनेक्शन तीन से भी हो जाएगा। आप ऐसे सोचो, देखो लेट अस सपोज कि ये चार लोग हैं, दो तीन चार, इसकी हाइट इसके बराबर है, इसकी हाइट इसके बराबर है, इसकी हाइट इसके बराबर है, तो आपने तीन बार भी कनेक्ट कर लिया तो प्रूव हो जाएगा ना कि चारों की हाइट बराबर है, या चौथे की हाइट वापस पहले के बराबर है, वो करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना, तीन में ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि चौथी बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे सुन लो भाई, इक्वेशन वन बना ली, टू बना ली, थ्री आप बनाई लोगे अभी कॉन्ग्रुएंसी से, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो चारों साइड्स बराबर हो गई, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। कर लोगे इतना काम? कल का पांच से छह बोल रहे हो ना, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कर लेना भैया होमवर्क कंप्लीट है, सेकंड वाला ना, थर्ड वाला।